हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही नई वीडियो में आज कल आपकी ब्लूटूथ प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते बताएंगे। अगर आप कहीं ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम। एंड फ्रेंड्स, और इसमें ब्लूटूथ तब कनेक्ट नहीं होता है जब आप जैसे कि आप किसी और फ़ोन में कनेक्ट, मतलब जैसे कि आप हेडफोन में कनेक्ट करें तो फ्रेंड्स जिसमें आप कनेक्ट कर रहे होते हैं हेडफोन, जैसे फॉर एग्जांपल, एंड हेडफोन का जो है फुल चार्ज होना चाहिए और वहाँ से ब्लूटूथ जिसमें आप कनेक्ट कर रहे होते हैं इसका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। फिर आप फ़ोन का वाईफाई एंड ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो आपका जो उधर जिसमें आप कनेक्ट करें उसका नेम शो होता है, उस पर क्लिक करके आपका कनेक्ट हो जाता है। बट अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपका, तभी इन सब को करने के बावजूद भी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं आपको मैंने दूसरा तरीका बता रही थी, उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है, तब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताऊंगी। तो उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है, इसके बाद आपको कनेक्शन शेयरिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका दिखता है रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ, और इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको रीसेट सेटिंग भी क्लिक करना है, जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखे इसे ड्रॉ कर देंगे एंड ओके भी क्लिक कर देंगे और आपका ऐसे नेटवर्क जो है रीसेट हो जाएगा। नेटवर्क को रीसेट करते हैं आपका जो भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेटवर्क को रीसेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस ये होगा अगर आपको ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीसेट कर रहे हैं और वाईफाई कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो जाता है। अगर वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और रीसेट करने नेटवर्क को, तो ब्लूटूथ कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो जाता है, बट दोबारा कनेक्ट करते हैं तो सही चलता है। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में और ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स तब तक के नमस्कार।